हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आपका दोस्त आपके लिए आज नई अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आया है। आपका ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये वीडियो अनबॉक्सिंग का काफ़ी वैल्यूएबल रहे। आज मैं आपके सामने जो अनबॉक्स करूँगा वो होगा सैमसंग का S24 Ultra, जो कि जनवरी 2024 में आया है। काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है सैमसंग की तरफ से और सैमसंग का कैमरे के मामले में सबसे बेस्ट एंड फ्लैगशिप फ़ोन है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए इस फ़ोन को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में सैमसंग क्या क्या देता है। देखने में तो बॉक्स बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई आर्टिक्राफ्ट नहीं किया गया है। बहुत सिंपल सा ब्लैक सा बॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इसमें सैमसंग का फ़ोन का बैक बना हुआ है एंड एक स्टाइलस है। स्टाइलस जो है वो एक इसका सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो स्टाइलस है ये काफ़ी काम आने वाला है आपके फोटोग्राफिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। बॉक्स के साइड में देखेंगे तो साइड में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग दिखेगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आप बॉक्स के दूसरी साइड देखेंगे तो अगेन आपको फ़ोन का जो नाम है वो दिख जाएगा, गैलेक्सी S24 Ultra। एंड उसके अलावा अगर आप बैक देखेंगे तो बैक में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो बताती है कि ये फ़ोन कौन सा वेरिएंट है, कब का मैन्युफैक्चर्ड है, किसने इंपोर्ट किया है, किसने एक्सपोर्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के बैक साइड में दो सील आती है, एक सील ऊपर आती है, एक सील नीचे आती है। क्योंकि ये रिटेल यूनिट था और मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदा था, क्योंकि मैंने अपने मेरे पास में पहले फोल्ड 3 था जिसको एक्सचेंज करके मैंने ये रिटेल यूनिट लिया था, तो मैंने सेलर के सामने ही ये अनबॉक्स कर लिया था। तो मैं आपको इस टाइम सील ओपन करके तो नहीं दिखा पाऊँगा एग्जैक्टली, पर ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लैक सील आती है, यहाँ पर एक ब्लैक सील आती है और यहाँ पर एक ब्लैक सील आती है। तो लिड उठाता हूँ। ओके, तो पहले आपको मिलती है आई थिंक एक छोटा सा बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स ऑब्वियसली। चलिए पहले इस छोटे बॉक्स को ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ओरिजिनल लोकल गाइड मिलता है, जो कि एक बताता है कि बेसिकली ये वेरिएंट कहाँ का बना हुआ है। तो क्योंकि हम इस वक्त इंडिया में से अनबॉक्स कर रहे हैं तो ये इंडियन वेरिएंट है, तो ये दिखाता है कि हाँ ये जो मॉडल है वो इंडियन टारगेटेड ऑडियंस के लिए है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। साथ ही साथ आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जो कि काफ़ी क्यूट सा है, छोटा सा है, आप देख सकते हो ऐसा है। इसको हम आगे रख देते हैं एंड उसके अलावा देखते हैं इसमें और क्या मिलता है। ओके, अगेन कुछ एक्स्ट्रा सैमसंग की क्विक स्टार्ट गाइड। तो इसमें आपके डिवाइसेस के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपने सैमसंग के फ़ोन ऑलरेडी यूज़ किए हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी फील फ्री टू ऑलवेज़ गो थ्रू द क्विक गाइड्स, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे न्यू पॉइंट्स पता चलते हैं जो कि ओल्डर फोन्स में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर अभी। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी टाइप सी टू टाइप सी है तो आप इसको बाद में फीचर यूज़ कर रख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। फ़ोन को दिखाता हूँ मैं आपको कि फ़ोन कैसा है। सो फ़ोन आप देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ मिलता है आपको। ये इसका बैक पैनल है, ये इसका फ्रंट पैनल है, ये इसके साइड एचेस हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एंड ऐसा है, ओके। एंड जो इनिशियल अनबॉक्स करते वक्त आपको जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक ब्लैक स्टिकर मिलता है, जिसको आप रिमूव करके स्क्रीन को विजिबल कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी स्क्रीन दिखती है। तो मैं ये जो ब्लैक फिल्म आपको दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कैसा एग्जैक्टली है सब कुछ। एंड इसको हम कर रहे हैं रिमूव। ये रहा ये रिमूव्ड, तो इसको मैं फ़िलहाल रख देता हूँ आगे। ओके, तो स्क्रीन जो है आपको कुछ ऐसी मिलती है सैमसंग की तरफ से, और
ये इसके ऊपर एक्चुअली एक नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है जो काफ़ी हेल्प करती है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं हेवी सनलाइट में या कहीं भी ऐसे एनक्लोज इन्वायरमेंट में जहाँ लाइट बहुत ब्राइट है, तो काफ़ी हेल्प मिलता है जब ये शाइन कम करती है और जो स्क्रीन के जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहते हैं। एंड चलिए ये रहा कुछ फ़ोन जो दिखता ऐसा है, और क्विकली स्क्रीन को बूट अप करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि स्क्रीन एग्जैक्टली कैसी है। ओके, तो मैंने स्क्रीन को ऑन कर लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन कैसी मिलती है। तो इसको मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ, फुल नहीं मैं 50% में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसी ब्राइटनेस के साथ आता है, चूँकि आई थिंक अभी कैमरा में आपको कुछ ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के कलर प्रोडक्शन दिखाई दें। ओके, या तो इस तरह का कुछ इसका कलर प्रोडक्शन है, एंड स्क्रीन नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स के बारे में और जानते हैं कि हमें क्या क्या सैमसंग ऑफर करता है। डायमेंशन की बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंच डायगनल डिस्प्ले मिलता है। जो डिस्प्ले है वो LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप HDR10 कंटेंट देखते हैं या HDR10 कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी स्क्रीन मानी जाती है। बात करते हैं इसके फ्रेम की, तो जो इसका फ्रेम है वो टाइटेनियम का बना हुआ है, तो साइड फ्रेम्स जितने भी हैं ये आपके पूरे टाइटेनियम के हैं। और इसके अलावा बात करें, इसमें आपको जो चार्जिंग जैक मिलता है वो उसी टाइप का है जो कि फास्ट चार्जिंग और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र दोनों सपोर्ट करता है। इसके अंदर एक स्टाइलस मिलता है जिसको आप ब्लूटूथ से फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही स्टाइलस बाहर निकालेंगे, जैसे कि मैंने अभी निकाला है, ये ऐप नोट जो है वो एक्टिवेट कर देता है, तो आप यहाँ पर कुछ भी क्विकली लिख सकते हैं, एंड जब आपका ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो आप इसको ऐसे अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें डुअल सिम सपोर्ट मिलता है, आप इसमें दो सिम डाल सकते हैं, और अगर आप एक सिम और एक ई सिम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें ई सिम कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपके पास में ऑप्शंस मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरे आपको इसमें टोटल 4 मिलते हैं, साथ में आपको कुछ सेंसर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट करते हैं आप कोई भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो। जो इसका मेन प्राइमरी कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको दो टेलीफोटो कैमरा मिलता है, एक टेलीफोटो कैमरा आपका 3x जूम सपोर्ट करता है और दूसरा आपका टेलीफोटो आपका टोटल 5x सपोर्ट करता है। तो जो 5x टेलीफोटो है वो 50 मेगापिक्सल कैमरा है, जो 3x है वो 10 मेगापिक्सल कैमरा है। तो अगर आप दूर की वीडियोस या फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं विदाउट हैविंग इमेज लॉस और डिजिटल इमेज लॉस, तब आपके लिए ये चीज़ें बहुत काफ़ी हेल्पफुल आती हैं। आप इसमें आपको एक कैमरा और मिलता है जो कि आप मैक्रो मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल देखेंगे तो कैमरे का पैकेज काफ़ी बढ़िया है, और जो मेन कैमरे का अपर्चर है वो 1.7 है, तो अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी लाइट ही कैप्चर करता है। स्पेक्स के बारे में जब बात हुई रही है तो इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो कि इस टाइम का 2024 ईयर का सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। एक मजे की बात आपको मैं बताऊं, तो कई S23 अल्ट्रा के यूज़र्स ने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो इसके बटन साइजेस हैं, मतलब मैं इन बटन्स की बात कर रहा हूं जो कि वॉल्यूम रॉकर है और आपका पावर बटन है, इनका भी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है ताकि आपको अच्छा टैक्टाइल फीडबैक मिल सके और आपको रीचेबिलिटी में इशू ना आए। तो ये बहुत अच्छी काम सैमसंग ने की है कि दोनों बटन्स को एक डायरेक्शन में मूव कर दिया है, मतलब अभी जो ये है आपके लेफ्ट साइड में ही आता है। पहले क्या थे, जो पुराने फ़ोन आते थे उसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो आपको कभी कभी जब आप फ़ोन चेंज कर रहे हैं तो अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों लेफ्ट में हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं जो बोलना भूल गया, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 10 मेगापिक्सल का है, तो 10 मेगापिक्सल होने से फ़ायदा ये है कि आपकी सेल्फीज़ भी काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। इसके फीचर्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो फ़ोन है ये वाटर रेसिस्टेंस एंड डस्ट रेसिस्टेंस के साथ में आता है। तो इसकी जो रेटिंग सैमसंग ऑफर करता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो है IP68, जो कि काफ़ी अच्छी है, पर कोशिश करिएगा कि इस फ़ोन को आप कभी भी जानबूझ के पानी में या किसी भी गंदगी वाली जगह मत ले जाइए। कोशिश करिएगा कि इसको बचा के रखिए। इवन दो ये फ़ोन काफ़ी रगड़ है, टफ़ है, पर
यू नो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, तो अगर आपकी तरफ से कभी भी मिस होगा और ये फ़ोन में हार्म होगा तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफ़ी देनी पड़ेगी। हाउएवर सैमसंग की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो एप्पल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। साउंड की बात करें तो इसमें आपको दो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक स्टीरियो स्पीकर आपका नीचे मिलता है जो कि बॉटम फायरिंग स्पीकर है, आपका एक फ्रंट फायरिंग स्पीकर है जो कि ईयरपीस का भी काम करता है। बात करें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की तो जो बैटरी इस फ़ोन में आपको ऑफ़र की जाती है वो 5000 mAh। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सैमसंग आपको इसमें क्या क्या स्टोरेज ऑप्शन ऑफ़र करता है या क्या एग्जैक्टली मेमोरी आपको ऑफ़र करता है। तो इस फ़ोन में के 3 वेरिएंट्स आते हैं, तीनों वेरिएंट में आपको जो बेसिक फीचर्स है वो सेम मिलते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इसको आप 3 वेरिएंट में ख़रीद सकते हैं। पहला जो वेरिएंट ऑफ़र करता है सैमसंग जो कि बेस वेरिएंट है वो है 12 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा वेरिएंट जो कि मेरे हाथ में है वो है 12 GB रैम एंड 512 GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरा और जो आपका सबसे ऊपर वाला वेरिएंट आता है वो है 12 GB रैम एंड 1 TB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या नीड है। अगर आप ऑलरेडी 256 GB फ़ोन यूज़ कर चुके हैं पास्ट में तो हो सकता है आपको 256 GB फ़ोन कंफर्टेबल भी लग सकता है, या हो सकता है आपको अगर और इंटरनल स्टोरेज की जरूरत है तो आप 512 GB वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 10,000 rupees के डिफरेंसेस हैं ईच वेरिएंट में। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप 10,000 rupees एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके डबल स्टोरेज पा सकते हैं तो प्लीज़ कभी भी हेजिटेट मत करिएगा, नहीं तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो सैमसंग आपको इसमें 3 स्पेशल कलर और ऑफ़र करता है जो कि लिमिटेड एडिशन कलर्स हैं, और आपको 4 जो है नॉर्मल कलर्स ऑफ़र करता है। तो जो नॉर्मल कलर ऑफ़र करता है उसमें आपके पास में आता है टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम येलो एंड टाइटेनियम वॉयलेट। तो ये 4 कलर आपको मिलते हैं और लिमिटेड एडिशन कलर्स जो हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली लिमिटेड एडिशन कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए क्योंकि उनमें जो आपके साइड टाइटेनियम के जो स्ट्रिप्स हैं वो उनका कलर थोड़ा सा ग्रेइश या डार्क ब्लैकिश दे रखा है, तो ओवरऑल मुझे नहीं पसंद आया, पर ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है। अगर आपको लिमिटेड एडिशन कलर पसंद आता है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, लिमिटेड एडिशन कलर जो है वो ऑफलाइन मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। कोशिश करिएगा कि सैमसंग की वेबसाइट से ही ऑर्डर करिए। लिमिटेड एडिशन कलर के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना है, जो भी आपको ऑफरिंग ले रहे हैं आप, जो भी वेरिएंट वाइज ऑफरिंग ले रहे हैं आप, आपको उसी पैकेज में आपको लिमिटेड कलर भी मिल जाएगा। चलिए क्विकली प्राइस की बात कर लेते हैं, जब कलर की बात हो ही गई है। तो प्राइसेस में जो बेस वेरिएंट आता है 256 GB वाला वो स्टार्ट होता है 1,29,999 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,30,000। जो सेकंड वेरिएंट आता है 12 GB 512 GB विच इज़ इन माय हैंड राइट नाउ, ये आपको पड़ेगा 1,39,999 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,40,000। जो टॉप एंड वेरिएंट आता है 12 GB ऑफ रैम एंड 1 TB ऑफ स्टोरेज, वो आपको पड़ता है 1,59,999 विच इज़ ऑलमोस्ट 1.60। तो वेरिएंट के हिसाब से डिफरेंसेस हैं, ये इनकी MRP हैं, पर आपको जो सैमसंग है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी देता है जिसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बाई बैक भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर से बात करें तो वो भी अपने ऑफर्स चलाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप कभी भी इस फ़ोन के लिए मन बनाए तो दोनों साइड चेकआउट करिए, ऑनलाइन स्टोर में भी देखिए, ऑफलाइन स्टोर में भी देखिए, जहाँ पे आपको बेटर डील मिलती है आप उसको लीजिए। सैमसंग इसमें आपको ढेर सारे AI के फ़ीचर भी देता है, भर भर के फ़ीचर देता है, और आप उसको यूटिलाइज़ करके इससे आप जो भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ खींचते हो उसका आउटपुट अच्छा कर सकते हो। तो फीचर वाइज, हार्डवेयर वाइज ये फ़ोन 10 out of 10 है, और मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई फ़ोन इससे बेटर है। हाँ, कुछ चाइनीज़ फ़ोन जो हैं इसको को काफ़ी टफ कंपटीशन देते हैं, पर सैमसंग क्योंकि काफ़ी मैच्योर प्रोडक्ट निकालता है और हमेशा R&D करके प्रोडक्ट निकालता है, तो इनके प्रोडक्ट्स में जो ड्यूरेबिलिटी है और रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी बजट क्या है आप उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट को चूज़ कर भी सकते हो, नहीं तो कमेंट डाउन में मुझे बता सकते हो कि आपको इससे अच्छा और कौन सा फ़ोन लगता है। 24 अल्ट्रा की बात करें तो फ़ोन का जो ओवरऑल वेट है वो है 232 to 233 grams, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। iPhone 15 Pro Max से कंपेयर करें तो ये काफ़ी हल्का है। iPhone 15 Pro Max जो है वो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। मैं एक
X Fold 3 यूज़र हूँ और मेरे को Fold 3 का वेट जो था वो पहले तो बहुत लगता था, बट धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई थी। तो मैं अब इस फ़ोन को पकड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत हल्की चीज़ पकड़ रखी है। मैंने iPhone 15 Pro Max भी चेकआउट किया था जब मैं इस फ़ोन को खरीदने का मन बनाया था, तो उसका जो वेट था वो ऑलमोस्ट इक्वल था मेरे Fold 3 के, थोड़ा कम रहा होगा, पर ओवरऑल जो ग्रिप है इस फ़ोन में काफ़ी बेटर मिलता है, क्योंकि जो साइड एडजेस हैं, अगर आप देखोगे इसके साइड एडजेस जो इधर बने हुए हैं ये काफ़ी कर्व्ड हैं, मतलब ये अगर आप इसको होल्ड करते हो इस तरीके से तो आपको कहीं भी गड़ते नहीं हैं, पर अगर आप इस फ़ोन को बहुत प्रोलॉन्ग इस तरीके से ग्रिप करते हो जहाँ पे ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा देर के बाद ये चुभना स्टार्ट हो जाए। पर कोशिश करिएगा कोई भी फ़ोन आप प्रोलॉन्ग मत यूज़ करिए, हमेशा थोड़ी देर रेस्ट करिए, आँखों को भी रेस्ट दीजिए ताकि आप ना आपके हाथों पे जोर पड़े ना आपके आँखों पे जोर पड़े। सेंसर्स की बात करें तो S24 अल्ट्रा में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, यानी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स में काम करता है, जो कि जो नॉर्मल चाइनीज़ फ़ोनों में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। वो फोटो बेस्ड है, दैट मीन्स उसमें लाइट एमिट होती है एंड लाइट से वो रीड करता है, पर ये टोटल अपोजिट है। इसके अलावा आपको एक्सेलरोमीटर मिलता है, कंपास मिलता है, गायरोस्कोप मिलता है, और जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फ्लैगशिप फ़ोन्स में सेंसर्स आते हैं वो सब कुछ मिलता है आपको इसमें। तो सैमसंग की ऑफरिंग की बात करें तो आपको सैमसंग बस बॉक्स के अंदर इतना ही कुछ देता है। ओवरऑल फ्लैगशिप फ़ोन है तो फीचर रिच है ऑलरेडी, इसके जो भी हार्डवेयर हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल के हैं, सब के सब जो भी बेस्ट ऑफरिंग आपको इंडस्ट्री में मिल सकती है वही सैमसंग इस टाइम में देता है। इस फ़ोन की अगर आप अपडेट्स की बात करें तो सैमसंग ने कह रखा है कि वो 7 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स पुश करेगा। एंड्रॉयड अपडेट आप 4 ईयर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है सैमसंग उसके बाद भी पुश करे, डिपेंड करता है कि सैमसंग की उस टाइम की पॉलिसीज़ क्या हैं। पर फिलहाल जो इसमें एंड्रॉयड ऑफ़र किया जाता है वो सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, तो आशा करते हैं कि फ़ोन की परफॉर्मेंस भी लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छी होगी। बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप फ़ोन को कितना रगड़ के यूज़ करते हैं, तो अगर आप फ़ोन को ज़्यादा रगड़ के यूज़ करते हैं तो हो सकता है फ़ोन जल्दी जवाब दे दे, पर जो हार्डवेयर कंट्रोल है सैमसंग का काफ़ी अच्छा है, तो इट्स माई प्रेफरेंस दैट कि सैमसंग डिसअपॉइंट नहीं करेगा इवन लॉन्ग रन में। और अनबॉक्सिंग की बात करें तो बस आपको बॉक्स में इतना ही कुछ मिलता है, तो मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए या दिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको लगता है कि मेरे को वीडियोस में कुछ और इम्प्रूवमेंट भी करने हैं विजुअली, क्योंकि मैं एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ अच्छे एंड क्वालिटी वाले बनाऊँ, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ में कोई भी और किसी कंटेंट की कमी है या कोई डेटा इनएक्यूरेसी है, मैंने कोई बात ऐसी बोली हो जो आपको एक्यूरेट लगती है, तो मुझे माफ़ करिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो अपने थॉट्स को ज़रूर कमेंट में पिन डाउन कर दीजिएगा। तो गाइस दैट इज़ इट, मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए। ओवरऑल कहूँ तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन 10 out of 10 है, इसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, अगर आप iPhones में ज़्यादा सिंक्ड अप है, मतलब आपके पास में इकोसिस्टम जो है जो कि एप्पल का है, तो हो सकता है आपकी ये पहली प्रेफरेंस में ना हो, पर अगर आप प्रो एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपकी ये फर्स्ट चॉइस में ज़रूर होगा। तो अपनी थॉट ज़रूर बताइएगा, और चलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।